बॉलीवुड की लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर आशा भोसले पर गिरा दुखों का पहाड़। आशा भोसले को इस वक्त आपके सपोर्ट की जरूरत है और दुआओं की जरूरत है। 88 की उम्र में आशा भोसले के साथ जो हुआ है वो बेहद दुखद है। आशा भोसले जिन्होंने कुछ ही समय पहले अपनी बहन जो महान सिंगर लता मंगेशकर है उन्हें खोया, अब अपने बेटे के लिए दुआ मांग रही है। एक्चुअली आशा भोसले का बेटा जो है वो सीरियस है। दुबई के एक हॉस्पिटल के आईसीयू में उनका बेटा एडमिट है और ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। आशा भोसले के साथ ये तब हुआ जब वो भी दुबई में ही थी। उनका बेटा घर में ही बेहोश होके गिर गया, जिसके बाद उसे बहुत सारी इंजरीज आई। हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो हॉस्पिटल वालों ने सीरियस केस मानते हुए आशा भोसले के बेटे को आईसीयू में रखा। आशा भोसले का बेटा आनंद भोसले इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। सबसे बड़ी बात, आशा भोसले दुबई से मुंबई आने ही वाली थी, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद अब वो दुबई में ही ठहरेगी और अपने बेटे के ठीक होने का इंतज़ार करेगी। आपको बता दें कि आशा भोसले इससे पहले अपना एक बेटा खो चुकी है। उनके बेटे हेमंत की डेथ हो गई कैंसर के कारण और 2012 में उनकी बेटी वर्षा की डेथ हो गई थी। अब आनंद ही उनके लिए सहारा थे, लेकिन आनंद को भी इस एक्सीडेंट के कारण इंजरीज आई है और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ मुंबई में आशा भोसले की पूरी फैमिली इस वक्त शॉक में है।